नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे बहुत सारे ऑडियंस ने मेरे को कमेंट में पूछते हैं कि सर, हम जो भी लेबर कर अप्लाई करते हैं वहाँ पर जो सेल्फ सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि वहाँ सेल्फ सर्टिफिकेट कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, आज का इस वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निर्माण ओडिशा GOV.in ओडिशा या जो भी स्टेट यहाँ पर आपको लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको कहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, आज इस वीडियो पर पूरी जानकारी दूंगा। देखिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, आपको और किसी वेबसाइट पर जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सेल्फ सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से ऊपर में क्लिक करेंगे, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको सेल्फ यहाँ से सर्टिफिकेट आपको लाइव पूरा सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाता है। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ ऑफ सेल्फ वर्क, यहाँ से आपको इसका फॉर्म मिल जाता है। इसका फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है पूरा कर पूरी इस वीडियो पर भी आपको दिखा जाता हूँ। यहाँ पर आपका नाम डालना है, यहाँ से आपका जो फादर का नेम डालना है, विलेज का, पोस्ट ऑफिस का, टाउन आपको थाना का, डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का, यहाँ से आपको डालना है। यहाँ से आपका जो जहाँ से आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपका एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ से आपका जो भी काम कर रहे हैं 100 दिन का काम यहाँ से आपका कहाँ से कर रहे हैं यहाँ सबको डालना पड़ेगा। यहाँ से आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। इसी तरह आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको काम में लगा सकते हैं। ये कहाँ पर आपको मिल जाता है देखिए, इसको हम भी थोड़ा बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ से आप लॉगिन करने के लिए, यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मिल जाए। यहाँ से जो भी आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आपका जैसे कि OTP देकर यहाँ से आपको लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वो यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से आपको इसको यूज़ करके प्रिंट आउट निकाल कर इसको कर सकते हैं। बहुत सारे इसका ही मन में था कि कैसे उसको यूज़ करना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूँ। फिलहाल इस वीडियो को पसंद है तो इस वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।